अभी आप देख सकते हैं मेरे फोन में मैसेज आ गया यहाँ पे हाय लिख करके। अब दोस्तों इस मैसेज को सिंपली जो है हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा अभी मैसेज में यहाँ पे हाय लिखा हुआ है, मैं अपने दूसरे फोन से डिलीट कर दिया मैसेज को और दोस्तों मैसेज डिलीट हो गया। मैसेज तो डिलीट हो गया लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मैसेज अभी भी शो कर रहा है। मैं आपको अगर व्हाट्सएप ओपन करके दिखाऊं तो दोस्तों आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं ये मैसेज जो है डिलीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप का डिलीट मैसेज कैसे देखें। दोस्तों अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के बाद डिलीट कर देता है कुछ इस प्रकार से, और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं डिलीट मैसेज में क्या लिखा हुआ था, अगर आप परेशान हो गए हुए हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ व्हाट्सएप का डिलीट मैसेज कैसे देख सकते हैं बिना कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फो हिंदी में। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप का डिलीट मैसेज को देखने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन के सेटिंग में चले आना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन के सेटिंग में चले जाते हैं, आपको भी अपने मोबाइल फोन का सेटिंग खोल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा मेरा मोबाइल फोन का सेटिंग, सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मोबाइल फोन के सेटिंग में आने के बाद सिंपली आपको नीचे के साइड में जाना है और दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार कुछ इस प्रकार से, सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब जो है आपको यहाँ पे सिंपली मोर सेटिंग का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर जो है आपको क्लिक कर देना। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आ जाइएगा आपको सबसे नीचे के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों सिंपली जो है आपको इसको ऑन कर देना है। अगर आपके मोबाइल फोन में यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को नहीं मिल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर से आपको बैक आना है और दोस्तों यहाँ पे जो है यहीं पे आपको देखने को मिल सकता है। इस सेटिंग को करने के बाद चलिए मैं आपको यहाँ पे मैसेज भेज करके और डिलीट करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने दूसरे फोन से मैसेज भेज देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे फोन में मैसेज आ गया यहाँ पे हाय लिख करके। अब दोस्तों इस मैसेज को सिंपली जो है हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा अभी मैसेज में यहाँ पे हाय लिखा हुआ है, मैं अपने दूसरे फोन से डिलीट कर दिया मैसेज को और दोस्तों मैसेज डिलीट हो गया। दोस्तों मैसेज तो डिलीट हो गया लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मैसेज अभी भी शो कर रहा है। मैं आपको अगर व्हाट्सएप ओपन करके दिखाऊं तो दोस्तों आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं ये मैसेज जो है डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप जो है बड़ी आसानी से किसी का भी व्हाट्सएप का डिलीट मैसेज को देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर डिलीट मैसेज जो है देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से।